हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान एक्सपी चैनल। आज हम जनरल साइंस के इस वीडियो में पारिस्थितिक तंत्र मींस इकोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफी यूजफुल होगा, तो आप ये वीडियो स्टार्ट से अंत तक जरूर देखिए। लेट स्टार्ट। ये है पारिस्थितिक तंत्र मींस इकोलॉजिकल सिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है? पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। अर्थात सभी जीव अपने वातावरण के साथ एक विशिष्ट तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के होते हैं, पहला है प्राकृतिक और दूसरा है कृत्रिम मींस मानव निर्मित, जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए होते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के होते हैं, पहला है स्थली और दूसरा है जली। स्थली पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत मैदान, मरुस्थल, वन, पर्वत, पठार इत्यादि आते हैं और जली पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत नदी, झरना, समुद्र, तालाब और झील आते हैं और कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत खेत, उद्यान इत्यादि आते हैं। Let us proceed for questions. Question है, पारिस्थितिकी means ecology शब्द को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? Important question है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल ने परिभाषित किया था, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निम्न में से किसके बीच का अध्ययन है? जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, आई होप आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर पता होगा। जीवों और वातावरण के बीच के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीव विशेष अथवा एक ही स्पीसीज के जीवों के सामूहिक जीवन पर पर्यावरण के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? जब किसी जीव विशेष अथवा एक ही स्पीसीज के सभी जीवों के सामूहिक जीवन पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है तो उसे स्वपारिस्थितिकी मींस ऑटो इकोलॉजी कहते हैं, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के विभिन्न समूहों और उनका पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवों के विभिन्न समूहों मींस ऐसे जीव जो जल और थल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं, उनका पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को समपारिस्थितिकी मींस सिन इकोलॉजी कहते हैं, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र मींस इकोसिस्टम को किसने प्रतिपादित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। पारिस्थितिक तंत्र को आर्थर टांसले ने प्रतिपादित किया था, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं? पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक जैविक और अजैविक होते हैं, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक और उपभोक्ता आते हैं और अजैविक घटक के अंतर्गत कार्बनिक तत्व, अकार्बनिक तत्व और जलवायु आते हैं। उत्पादक होते क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, साधारण अकार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में तैयार करते हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं, जैसे सभी हरे पेड़ पौधे। और उपभोक्ता क्या होते हैं? पारिस्थितिक तंत्र में उपभोक्ता वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अर्थात उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, जैसे मनुष्य और सभी जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक मींस प्रोड्यूसर और उपभोक्ता मींस कंज्यूमर्स किस पारिस्थितिक घटक के अंतर्गत आते हैं?
जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, उत्पादक और उपभोक्ता पारिस्थितिक तंत्र के दो जैविक घटक होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा घटक अजैविक घटक नहीं है। आई होप आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर पता होगा। अकार्बनिक तत्व, कार्बनिक तत्व और जलवायु, ये तीनों पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के होते हैं, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पहला है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, मीन्स नेचुरल इकोसिस्टम। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र वे तंत्र होते हैं जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए होते हैं, जैसे वन, मरुस्थल, तालाब, टुंड्रा एक्सेट्रा। और दूसरा है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, मीन्स आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र वे तंत्र होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं, अर्थात मनुष्यों के द्वारा बनाए गए होते हैं, जैसे बगीचा, फसल, पार्क एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में उपभोक्ता चार प्रकार के होते हैं, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, मीन्स प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत सभी शाकाहारी जंतुओं को रखा गया है, क्योंकि ये जीवधारी अपने भोजन के लिए केवल पौधों पर ही निर्भर रहते हैं, जैसे गाय, बकरी, हिरण, खरगोश इत्यादि। और दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता, मीन्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स। द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता अपना भोजन पौधों एवं प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, अर्थात इस श्रेणी के उपभोक्ता मांसाहारी तथा सर्वाहारी दोनों होते हैं, जैसे मानव एक सर्वाहारी प्राणी है क्योंकि यह अपना भोजन पौधों के साथ साथ प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं से भी प्राप्त करता है। तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता, मीन्स टर्शियरी कंज्यूमर्स। पारिस्थितिक तंत्र के तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता अपना भोजन प्राथमिक और द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता टॉप मांसाहारी होते हैं, जिन्हें दूसरे जंतु मारकर नहीं खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, बाज इत्यादि। और चौथा है अपघटक, मीन्स डीकम्पोजर्स। पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक वे जैविक घटक हैं जो अपना भोजन उत्पादक एवं उपभोक्ता के मृत शरीर से प्राप्त करते हैं। इसी कारण अपघटक को मृतोपजीवी भी कहा जाता है, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिक तंत्र के बारे में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है यह जैविक एवं अजैविक दोनों घटकों से युक्त होता है, तो यह ऑप्शन सही है क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में जैविक एवं अजैविक घटक दोनों होते हैं। दूसरा ऑप्शन है इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, तो यह भी ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है यह एक बंद तंत्र होता है, तो यह ऑप्शन गलत है क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरा और फौना के क्या अर्थ होते हैं। फ्लोरा का अर्थ होता है पेड़ पौधे और फौना का अर्थ होता है पशु। जीव विज्ञान में पेड़ पौधे के लिए फ्लोरा और पशुओं के लिए फौना वर्ड यूज किए जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पौधे और पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तालाब, घास का मैदान और वन, ये तीनों प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हैं, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा बनाए गए होते हैं। और धान का खेत ये कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा बनाए गए होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है। खाद्य श्रृंखला में
मानव प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता ये दोनों होते हैं, क्योंकि मनुष्य मांसाहारी तथा सर्वाहारी दोनों होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे जीव जो हरे पौधों या उनके किसी भाग को खाते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे जीव जो हरे पौधों या उनके किसी भाग को खाते हैं वे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, क्योंकि वे शाकाहारी होते हैं, जैसे खरगोश, गाय, हिरण इत्यादि। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र मीन्स समुद्री पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र है जो कि पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी एक अस्थायी अर्थव्यवस्था है यह चिपको आंदोलन का नारा है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये चिपको आंदोलन होता क्या है? चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई के लिए किया गया एक आंदोलन था। इस आंदोलन में महिलाएं और पुरुष पेड़ों से लिपटकर पेड़ों की रक्षा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? चिपको आंदोलन के जनक थे सुंदरलाल बहुगुणा, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी में उच्चतम पोषण प्राप्त है। पारिस्थितिकी में उच्चतम पोषण सर्वाहारी को प्राप्त है, क्योंकि सर्वाहारी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों को खाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अस्थाई पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है? सबसे अस्थाई पारिस्थितिक तंत्र महासागर का होता है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को भी सोशल नेटवर्क के थ्रू शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।